आप देख रहे हैं शार्क मीडिया न्यूज, सबसे तेज सटीक खबर। आइए आज विशेष बातचीत में चलते हैं गोरखपुर के मंडलायुक्त जयंत नार्वेलकर के पास, उनसे करते हैं कुछ खास बातचीत। जैसा कि आपको बताया कि पिछले 10 साल में इस पर काफ़ी डिस्कशन चल रहा था, काफ़ी रिपोर्ट्स भी बनी है जी। जहाँ तक जब लास्ट मैंने कसाडा की बैठक की है, वहाँ पर जो लोकल स्तर पर मुझे बताया गया है कि मैथिली प्रोजेक्ट किसी कारणों की वजह से टेक ऑफ नहीं कर पाया। वो क्या कारण है उसको कह पाना बहुत इस समय कह पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम एक मास्टर प्लान जरूर बना रहे हैं और वो प्रोजेक्ट बेसिकली कुशीनगर का जो कसाडा एरिया है उसके अंतर्गत, और इस प्रोजेक्ट में हम सारी चीज़ें जो पर्यटन के विकास से रिलेटेड हैं उनको लाना चाहते हैं और उनको सभी स्टेक होल्डर से डिस्कस करने के बाद में हम फाइनलाइज करेंगे और फिर सक्षम स्तर पर उसका अप्रूवल लेंगे फाइनेंशिंग के लिए और अन्य चीज़ें। सर, ये है कि 2012 से पहले जब ये कृषकों की ज़मीन ली गई तो सर 660 एकड़ ज़मीन का नोटिफिकेशन मिला था सर, और उसमें 200 एकड़ ही अधिग्रहित हुआ, बाकी 460 एकड़ सर आज भी किसानों के पास है, लेकिन उसमें बाउंडेशन के चलते सरकार के ना किसान कोई बेच पा रहा है उसको, ना कुछ कोई जमा कर पा रहा है, तो सर या तो उससे लिया नहीं गया या क्या? देखिए, इसमें बात हुई है करीब 195 या 200 एकड़ ज़मीन प्रोजेक्ट के लिए ली गई जी, और उस ज़मीन का भी आप जो है वो जैसा बताया गया है कि संस्कृति विभाग के पास में वो ज़मीन है, वो प्रोजेक्ट को दी गई थी, प्रोजेक्ट से वो संस्कृति विभाग के पास आई। अब उस ज़मीन पर हमें जब मास्टर प्लान हमारा बन जाएगा तो हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली हमें कितनी भूमि की आवश्यकता है और उस हिसाब से फिर उच्च स्तर से वार्ता करके हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। जहाँ तक रेस्ट ऑफ द लैंड की बात है, 400 एकड़ की बात है, तो वो मैं जिलाधिकारी से बात करूँगा। ये मेरे नोटिस में कभी नहीं लाया गया है कि उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं या कुछ इस तरह से, वो यदि है तो उस पर हम उचित कार्रवाई करेंगे। बट आज तक मुझे कोई डिमांड या मुझे कोई पत्र या मुझे कोई पिटीशन उन 400 एकड़ के लोगों का नहीं आया, जबकि मैंने उस एरिया में काफ़ी विजिट किया है कि वो भूमि पर कोई रिस्ट्रिक्शन है उसको। जी सर, एक मुद्दा और है वहाँ पे, जैसा आप कई बार दौरा भी कर चुके हैं कृष्णनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, सर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो वो नामेशन है उसका सर, वर्तमान में उसका ये हुआ कि भारत सरकार को सौंप दिया गया है हटिया एयरपोर्ट ऑफ इंडिया को, लेकिन सर उसका प्रगति क्या है इस वक्त? अभी सौंपा नहीं गया है जी, कई चीज़ें थी और जैसा आप जानते हैं कि राजस्व की चीज़ों में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि नियमानुसार कार्रवाई होती है और उसके भी एक समयावधि है चीज़ों की। अब उसमें हमने भी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये मांग की थी कि इसमें जो स्टैम्प ड्यूटी है उसको एग्जेम्प्ट किया जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने उसको एग्जेम्प्ट कर दिया। उसका शासनादेश अभी निर्गत हुआ है मुझे लगता है 10 दिन के, और शासनादेश निर्गत होने के बाद में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया दिल्ली को ये बता दिया गया और जो APD यहाँ पर गोरखपुर एयरपोर्ट के हैं उन्हीं को वहाँ पर नामित किया गया। अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसको हस्तांतरित करेगी, उसको ले लेगी, जब वो एक बार ले लेंगे तो इसके बाद वो अपनी तरफ से इसको करवा पाएंगे। तो अभी तक एयरपोर्ट ऑफ इंडिया को AI को ट्रांसफ़र नहीं हुआ, अब वो उनको ये करना है सर, वो प्रोसेस हाँ वो उनको करेंगे, वो अतिशीघ्र हो जाएगा। नंबर दो, जहाँ वहाँ पर एक ऑलरेडी प्रोजेक्ट चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें ये सारी चीज़ें हैं, बाउंड्री वॉल है और भी चीज़ें हैं, और वो कार्य प्रगति पर है, वो मैं देख के आया हूँ, वो कार्य प्रगति पर है। और DM कुशीनगर को ऑलरेडी निर्देश दिए गए हैं कि कुशीनगर में एयरपोर्ट का एक जो थाने का वो है उसका इमीडिएटली हमें एक प्रस्ताव दे दें और सरकार को भेज दें, शासन को भेज दें, जिससे कि वहाँ पर थाना भी विकसित किया जा सके। वो चीज़ें पाइपलाइन में है, वन सिस्टम ड्यूटी को से एग्जाम कर दिया गया, कार्रवाई और शीघ्र। सर, यहाँ गोरखपुर में एम्स का निर्माण का बहुत जोरों पर है सर, ये कब तक पूरा होने की उम्मीद है? एम्स हम सितंबर 2020 में कंप्लीट कर रहे हैं, हाइट से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संस्था है वो बना रही है, करीब 1000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। और जैसा कि आपको पता है कि इसको हमने फेज वाइज किया है, आपकी आयुष विभाग में आज OPD चल रही है, 50 बच्चे आज एम्स के में पढ़ रहे हैं, उनके लिए हॉस्टल का भी निर्माण कर दिया गया है। अब OPD नई बिल्डिंग में शिफ्ट होनी है, मेन बिल्डिंग OPD में शिफ्ट करनी है, वो मुझे लगता है नेक्स्ट 15 दिन में 20 दिन में हो जाएगी। उसके बाद से आप देखेंगे कि OPD फुल फ्लेश चलेगी और अगस्त सितंबर 2020 तक हम ये पूरा परिसर एकोमोडेशन, हॉस्टल और फैकल्टी दोनों के, मेडिकल कॉलेज जहाँ पर क्लासेस लगेंगी, प्रैक्टिकल होंगे, और हॉस्पिटल इंक्लूडिंग OPD, ये सारी चीज़ें हम पूर्ण करेंगे। प्रोजेक्ट
इस समय BPR बन गया है और जो PWD की संस्थाएं हैं जो रोड बना रही हैं उनसे उनका कोऑर्डिनेशन करवा दिया गया है। आपने देखा होगा पिछले माह वो लोग आए थे, उन्होंने फील्ड विजिट भी किए, तो मुझे लगता है कि अति शीघ्र इसका प्रोजेक्ट सबमिट होकर इसकी सेंक्शन आ जाएगी और अगले वर्ष से हम इसमें होंगे कि हम इसमें काम आरम्भ करा सकें, अगले वर्ष से काम शुरू होने की संभावना। हाँ, बट अभी सेंक्शन प्रोजेक्ट, पहले तो प्रोजेक्ट सबमिट होगा उसकी कार्रवाई चल रही है।